नमस्कार दोस्तों, आईसीसी ने 2019 के वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग करने वाले दो खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की है। ये दो खिलाड़ी कौन है? ये दो खिलाड़ी हैं यूएई के मोहम्मद नावीद और शैमान अनवर बट। इनको 2019 में टी20 विश्व कप क्वालिफायर मैचों को फिक्स करने का दोषी पाए जाने के बाद मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। यूएई के पूर्व कप्तान हैं नावीद और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं शैमान। इनको आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत दो अपराधों का दोषी माना गया है। इसके बाद उन्होंने पंचायत के सामने सुनवाई के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आईसीसी ने स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक पंचायत की सुनवाई के बयान में कहा कि ये दोनों खिलाड़ी निलंबित रहेंगी और नियत समय पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अभी निलंबित रहेंगे, उसके बाद फिर जब भी सही समय होगा इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। और यह भी कहा ये दोनों खिलाड़ी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप क्वालिफायर 2019 के मैचों को फिक्स करने या परिणामों को प्रभावित करने के लिए एक समझौते या प्रयास में शामिल थे और इसी के तहत इन पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि क्रिकेट में ये होता रहता है, कई मौकों पर हमने देखा है कि कई खिलाड़ी मैच फिक्स कर लेते हैं, कोई स्पॉट फिक्सिंग कर लेता है। हमने आईपीएल में भी ये देखा, हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के द्वारा ये करते हुए भी देखा, उन पर फिर बैन भी लगा और अब यूएई के भी दो खिलाड़ी इसमें फंस गए हैं। कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।